मैं और दानी जा रहे हैं पुरंदर फोर्ट। तो पुरंदर फोर्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मेरे को अभी जाना है दानिश के घर पे और दानिश वेट कर रहा है मेरा। पुरंदर एक फोर्ट है जो कि अभी आर्मी मैनेज करता है, तो वो जितना भी मेंटेनेंस है उधर का पूरा आर्मी मेंटेन करता है। तो आज संडे है तो फिर हम लोग ने सोचा कहाँ जाएँ, तो उधर ही चलते हैं। तो चलते हैं अभी दानिश के घर पर, वहाँ से हम लोग चलेंगे पुरंदर फोर्ट। सो हम लोग यहाँ पे रुके हैं, क्या नाम है इसका? अपला वड़ा पाव। ये एक्चुअली पुरंदर जाने के जो रास्ते में है वहीं पर है, बहुत सारी दुकान है। तो यहाँ पे बापदेव घाट बोलते इसे। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आपको मिसल पाव के शॉप्स दिखेंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे एक फेमस दुकान है अपला वड़ा पाव, वहाँ पे हम लोगों ने ये सब लिया है, भजिए और मिसल पाव और पोहे। सो यहाँ पे हम लोग नाश्ता करके फिर आगे निकलते हैं। तो अगर आप नाश्ता नहीं किए हो तो आप यहाँ पे आके नाश्ता कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर ब्रेकफास्ट एंड फिर उधर सीधे से और आगे निकलते हैं हम लोग। ये किला पुणे से कुल 40 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे आप बाइक, कार या बस से भी आ सकते हैं। पुरंदर किला छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजे जय सिंह के बीच हुए सुलह की वजह से इतिहास में प्रसिद्ध है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह किला भारत के और महाराष्ट्र के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि स्वराज के दूसरे छत्रपति श्री छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म इसी किले में हुआ था। पुरंदर किला आदिल शाह बीजापुर सुल्तान और मुगलों के खिलाफ शिवाजी के उदय का प्रतीक है। सो हम लोग आ गए हैं यहाँ पुरंदर के अंदर, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। सो आर्मी अभी हैंडल कर रहा है ये सब चीज़ें, तो उस वजह से हम लोगों को ये पर्ची दी गई है अभी, और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। मे बी आगे चल के हमको शायद कैमरा यूज़ ना करने दें उन लोग। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये एक चर्च है। सो ये ब्रिटिश के जमाने का चर्च है। जब अंग्रेज़ों ने पुरंदर किले पर सन 1818 में कब्जा कर लिया तो यहाँ पर उन्होंने दो चर्च भी बनाए थे। सो ये चर्च यहाँ पे बनाया है ब्रिटिश के ज़माने का। सो आप देख सकते हैं कि ये जैसा था वैसा ही है, और ये देख सकते हैं यहाँ पूरा ऊपर वुडन का काम है। एक छोटा सा चर्च बनाया गया है यहाँ। सो आप ऊपर देख सकते हैं कि किला हमको दिख रहा है यहाँ से, बट हावेवर हमको थोड़ी दूर जाने के बाद में हमको यहाँ पे मोबाइल सबमिट करना पड़ेगा, तो पता नहीं हम लोगों को आगे लेके जाने देंगे या नहीं कैमरा। सो अगर आप यहाँ व्यू देख सकते हैं तो ये व्यू ऊपर से ऑसम व्यू। ये सब आर्मी वालों ने मेंटेन किया है, उस वजह से इतना साफ सुथरा है यहाँ पे। अगर आप देख सकते हैं तो ये एक यहाँ पे सिपाही भी खड़े हो सकते होंगे पहले, जब शिवाजी के ज़माने में यहाँ पे शायद तोप या गन्स लेके यहाँ सिपाही भी खड़े। तो ये अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से भी गन्स और दुश्मनों के ऊपर गर्म पानी डालने के लिए यहाँ पे एक होल्स बनाए गए हैं। ब्यूटीफुल।
सो ये दूसरा चर्च हम देख सकते हैं यहाँ। और यहाँ इंडिया का मैप बनाया गया है पत्थरों से। सो यहाँ दूसरा चर्च हम अंदर जा रहे हैं अभी। सो ये भी बहुत पुराना चर्च और बहुत बड़ा है पहले वाले से। सो यहाँ अगर आपको दिख रही है गर्दी, यहाँ पे हमको हमारे कैमराज और मोबाइल सबमिट करने पड़ते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग नहीं जा सकते। तो हम जा रहे हैं म्यूज़ियम। यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये म्यूज़ियम ज़रूर देखिए। शिवाजी महाराज की बहुत सारी तस्वीरें और उनके ज़िंदगी में क्या क्या उन्होंने किया और उनकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, उसी चीज़ के ऊपर ये म्यूज़ियम है। और ये म्यूज़ियम में आपको बहुत सारे गढ़ भी देखने मिलेंगे, तो आप यहाँ पे आते हैं तो ये म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट कीजिए। हाय बंदर, बंदर।
सो हम लोग ऊपर जाके आए हैं और ऊपर कैमरा लेके जाने नहीं देते एक्चुअली, तो इसलिए मैं कवर नहीं कर पाया ऊपर का जो भी पार्ट है, जो ऊपर फोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो ऊपर जहाँ मैंने आपको बताया था वो वहाँ पे हम लोगों को कैमरा या फ़ोटोज़ क्लिक करने अलाउड नहीं है, तो कैमरा नीचे ही हम लोगों को सबमिट करना पड़ता है। तो अच्छा था ऊपर, आप आके यहाँ देख सकते हैं, अपने बच्चे और फैमिली को लेके आ सकते हैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, होप आपको ये व्लॉग, छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक कहीं दूसरी जगह, कहीं दूसरे प्लेस पे। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।